फादर ऑफ द इंडियन नेवी शिवाजी महाराज। तो दोस्तों आज मैं शिवाजी महाराज के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो कि आपको पहले कभी भी नहीं पता होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को बिना कोई टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट, तो दोस्तों जैसा कि हमें बताया कि जो शिवाजी महाराज थे वो औरंगजेब मतलब जो मुगलों के राजा थे उनके खिलाफ बहुत ही ज्यादा वीरता से लड़े थे और उसी के लिए वो जाने जाते थे। पर यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो शिवाजी महाराज थे वो मुगलों से लड़ते जरूर थे पर दोस्तों उन्हें मुसलमानों से कोई भी तरह की दुश्मनी नहीं थी। और इस चीज का प्रमाण ये है दोस्तों कि जो उनकी सेना थी उसकी संख्या थी 150,000 सैनिक और उन 150,000 सैनिकों में से दोस्तों जो 66,000 थे मतलब 66,000 जो सैनिक थे वो मुसलमान थे। और हाँ दोस्तों मैं बता दूं कि वो बहुत ही ज्यादा सेकुलर थे और वो ऐसी कोई भी चीज में विश्वास नहीं करते थे जो कि दो धर्मों के बीच में दरार लाए। सेकंड, तो दोस्तों जो शिवाजी महाराज थे वो औरतों को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट दिया करते थे। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि वो दूसरे राज्य की है मतलब उनके दुश्मन राज्य की है या फिर उनके खुद के राज्य की है। और अगर दोस्तों कोई भी लड़ाई में अगर वो किसी भी किले पे अटैक करते थे और उस अटैक में कोई औरत उनको मिलती थी तो वो दोस्तों उस औरत को रिस्पेक्टफुली अपने राज्य में वापस जाने दिया करते थे। और साथ ही दोस्तों अगर शिवाजी महाराज को कोई भी औरत के ऊपर अत्याचार या फिर बुरा व्यवहार दिखता था तो वो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते थे और कड़ी से कड़ी सजा दिया करते थे। थर्ड, तो दोस्तों अब जो ये शिवाजी महाराज नाम है अब इस नाम को देखने के बाद दोस्तों हमें यही पता लगेगा कि ये नाम दोस्तों देवों के देव शिव जी के ऊपर रखा गया है। पर अगर दोस्तों आप ये ऐसा मानते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल दोस्तों जो ये नाम है ये एक देवी के नाम पे रखा गया है जिनका नाम था शिवाय। और ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि दोस्तों जब शिवाजी महाराज की जो माँ थी उन्होंने जो देवी शिवाय है उनसे जब एक बेटे की प्रार्थना की थी जब शिवाजी महाराज आए थे और इसी के कारण दोस्तों उनकी माँ ने शिवाजी महाराज का नाम उस देवी के ऊपर रख दिया। फोर्थ, तो दोस्तों अगर आपने कोई भी मूवी देखी हो या फिर आपने कोई भी कहानी पढ़ी हो और कहानी को भी ना ले तो हमारी इंडिपेंडेंस से पहले मतलब 1947 से पहले जब भी दोस्तों कोई ब्रिटिशर को अपनी कोई भी चीज लेनी हो या फिर कुछ भी अपना टैक्स वगैरह लेना हो तो वो सीधा मार्केट में जाके व्यापारियों को डरा धमका कर अपनी चीजें ले लेते थे और उसका पैसा भी नहीं दिया करते थे। पर दोस्तों शिवाजी महाराज के रूल के अंडर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। दरअसल दोस्तों वो क्या करते थे वो अपने सैनिकों को कोई भी तरह का हथियार नहीं दिया करते थे और जब कभी भी दोस्तों कहीं पे लड़ाई में जाना हो या फिर कोई रेड पे जाना हो तभी वो उनको हथियार दिए जाते थे। उसके अलावा दोस्तों वो सारे के सारे हथियार शिवाजी महाराज के अंडर रहते थे। फिफ्थ, तो दोस्तों जो शिवाजी महाराज थे उनके साथ बहुत सारी घटनाएं हुई थी और उन घटना में दोस्तों उन्होंने अपने दिमाग का कैसे इस्तेमाल किया उनकी तो सब दाद देते हैं। तो मैं भी दोस्तों आपको एक ऐसी ही स्टोरी बताने वाला हूँ जो कि है एक दिन दोस्तों क्या हुआ कि महल से दो बड़ी टोकरियां बाहर आ रही थी और बाहर आने के बाद दोस्तों जो वहां पे गार्ड्स खड़े थे उन्होंने दोस्तों उन्हें ऑर्डर दिया कि इस टोकरी को खोल के दिखाए और उस टोकरी में दोस्तों मिठाइयां थी और गार्ड ने पूछा कि ये सारी मिठाइयां किसके लिए हैं। तो उन दो आदमियों ने उत्तर दिया कि इस राज्य में जितने भी गरीब लोग हैं उन सब के लिए ये मिठाइयां जा रही हैं और गार्ड्स ने ये चीजें सुनने के बाद उनको जाने दिया। और अब दोस्तों ये सारी चीजें हमेशा होती जा रही थी कि दो टोकरियां बड़ी बड़ी आती और वो दोनों आदमी उनको बाहर ले जाते। तो एक दिन दोस्तों एक गार्ड से रहा नहीं गया और उसने पूछा कि ये क्या चल रहा है तुम रोज रोज इन मिठाइयों को क्यों लाते हो। तो उनमें से दोस्तों एक आदमी ने यह उत्तर दिया कि जो शिवाजी महाराज है उनकी तबीयत बहुत खराब है और इसी कारण वो गरीबों को दान कर रहे हैं। और उस वक्त दोस्तों जो शिवाजी महाराज है उनको कैद कर रखा था एक मुगल फोर्ट में और उन्होंने दोस्तों इसी ट्रिक को अपनाया और वो जो टोकरियां हमेशा जाती थी उन मिठाइयों को लेके उनके नीचे वो एक जगह बनाकर छुप गए जिसके कारण वे और उनका बेटा संभाजी उस मुगल फोर्ट से फरार हो गए। और ये थी दोस्तों वो कहानी और जो ये कहानी है दोस्तों मैंने आपको ये शॉर्ट में करके बताई है इसलिए दोस्तों इसमें ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने आपको नहीं बताई है। और अगर दोस्तों आपको ये पूरी कहानी सुननी है तो कमेंट करके जरूर बताना। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ दोस्तों हैप्पी शिवाजी जयंती। तो मिलते हैं दोस्तों मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।